काम शुरू हुआ? हो गया। तुम्हें पाने की इच्छा और बढ़ गई है। ये तमाशा मैं आखिरी बार कर रही हूँ मुकेश, याद रखना। मैं तुम्हें MR से एरिया मैनेजर बना दूंगा। लगता है तीर सही निशाने पे लगा है। शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। मुकेश मुकेश उठो, अभी तक सो रहे हो तुम। ड्यूटी पे नहीं जाना है क्या तुम्हें? जाना है। टाइम कितना हो रहा है? 9:30 बज रहे हैं। कल तो बड़ा कह रहे थे कि एक बड़े डॉक्टर के साथ मीटिंग है तुम्हारी, पर अब ऑर्डर मिल सकता है। प्रिया, तुम्हारा और मेरा जॉब अलग अलग है। तुम्हें तो अपने बॉस के ऑफिस जाने से पहले जाना पड़ता है, और मेरा डॉक्टर के टाइम के हिसाब से जाना पड़ता है। और आज डॉक्टर अपने क्लिनिक में 12 बजे के आसपास आएंगे, तो मैं थोड़ा बहुत लेट जाऊंगा तो चलेगा। शांति, तुम्हारा और मेरा काम अलग अलग है। तभी तो मेरे काम की सैलरी मंथ की 1 तारीख को आ जाती है, और तुम्हारी सैलरी का कोई अता पता ही नहीं। तुम्हारी तरह ना मैं कोई ये 9 से 6 वाली शिफ्ट नहीं करता हूँ। तुम्हें नहीं पता कि ये मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की जॉब कितनी टफ है। बस बस समझ गए तुम कितनी मेहनत करते हो और कितना कमाते हो। चाय नाश्ता बना दिया है मैंने, मुझे लेट हो रहा है ऑफिस के लिए, मैं निकलती हूँ। ठीक है। अच्छा सुनो, वो 200 रुपये मिलेंगे क्या मुझे? वो मैं जिस रूट पे जा रहा हूँ आज, वहाँ पे ATM नहीं है रास्ते में कोई। ATM तो है, पर यूँ कहो ना कि तुम्हारे अकाउंट में पैसे नहीं। थैंक यू। अरे तुम्हारे पास चेंज नहीं है क्या? जाकर। अच्छा ठीक है, मैं शाम को आके तुम्हें लौटा दूंगा। रिटर्न करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं जानती हूँ अभी तुम्हारा काम सही नहीं चल रहा है। काम को जल्दी करा जाना। ठीक, मैं चलती हूँ। बाय बाय। फोन चार्जिंग में लगाना पड़ेगा। हेलो, तुम अपना काम कब शुरू कर रहे हो? आज तो मैं बहुत बिजी हूँ। फालतू के कामों में बिजी रहने की कोई जरूरत नहीं है। आज क्यों नहीं हो सकता? आज मैंने डॉक्टर्स के साथ कुछ मीटिंग फिक्स की है, और मुझे अपने महीने का टारगेट भी तो पूरा करना है, जिससे मेरा घर चलता रहे। मैं तुम्हारे अकाउंट में कुछ पैसे ट्रांसफर कर रही हूँ। तुम अच्छे से जानते हो कि मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, इसीलिए जितना जल्दी हो सके मेरा काम करो। जी जी बिल्कुल, लगता है काम जल्दी ही पूरा करना होगा। ऐसा लगा कोई था वहां। मुकेश, मुकेश, क्या हुआ प्रिया? वो बाथरूम की विंडो में कोई था। क्या बात कर रही हो, वहां कोई नहीं था। तुम्हारा कोई वहम है? नहीं मुकेश, मैंने देखा है, प्लीज तुम जाके देखो एक बार, कोई था। प्रिया, वहां तो कोई भी नहीं था। देखो ये तुम्हारा वहम था। वहम का डरते नहीं, मुझे तुम्हारी प्रॉब्लम से कोई मतलब नहीं है, समझे? मुझे मेरे 75 लाख रुपए मिल जाने चाहिए जो मैंने तुम्हें दिए थे। जब उधार लेना था तो रो रहा था, चुकाने की बारी आई तो उसकी नानी मर गई। कहाँ गई थी सुबह से? अपने फ्रेंड से मिलने गई। ऐसा कौन सा नया दोस्त पैदा हो गया तुम्हारा जिससे हर दूसरे से मिलने जाती हो तुम? तो मुझ पर शक कर रहे हो? ये मेरे सवाल का जवाब नहीं हुआ। जिस तरह का तुमने सवाल किया है ना, उसका यही जवाब बनता है। फिर तुमने शुरू कर दी घिसी पिटी बातें। तुम्हें अंदाजा भी है मैं कितनी परेशानी से गुजर रहा हूँ?
हर रोज मुझे पैसा इंतजाम करना पड़ता है। जिन लोगों को उधार दिया था वो चुका नहीं रहे, मुझे ऑफिस छुड़ाना है। ऊपर से तुम्हारी रोज रोज की नई नई चिक चिक लगी रहती है, मैं परेशान हो गया हूँ तुमसे। तो मैं कौन सा खुश हूँ तुम्हारे साथ? यू नो व्हाट जय, मेरे पेरेंट्स ने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी मिस्टेक की है, मेरी शादी तुम्हारे साथ करवा कर। जय, डोंट क्रॉस योर लिमिट्स वरना बहुत बुरा होगा। ये मेरी तरफ से तुम्हें लास्ट वार्निंग है। मुकेश खत्म करो ये सब, 2 घंटे से पिए जा रहे हो। अरे प्रिया इतनी जल्दी क्यों है तुम? ऑफिस में ढेर सारा काम पेंडिंग पड़ा है, इसके लिए मुझे जल्दी ऑफिस निकलना है तो जल्दी सोना पड़ेगा। इधर बैठो, इतनी जल्दी में रहती हो तुम, 2 मिनट पास में आके बैठो तो सही, कुछ अच्छी अच्छी बातें कर लो। कितने पैग लगा चुके हो अब तक? ये भी कोई गिनने की बात है क्या? देखो मुकेश, मैंने तुम्हें घर पे पीने के लिए अलाउ इसलिए किया है ताकि तुम्हारे पैसे बचे, इसलिए नहीं कि तुम घर को ही बार बना के बैठ जाओ। आंखें बंद कर कर। बड़ी प्यारी ड्रेस है, है ना? किसकी है? तुम्हारे लिए। अच्छा, सुबह तो ऑफिस जाने के पैसे ही नहीं थे तुम्हारे पास, फिर ये ड्रेस कहाँ से आई? वो क्या है कि आज ऑफिस से इंसेंटिव मिला था, तो फिर मैंने सोचा कि मैंने अपनी बीवी को कोई गिफ्ट नहीं दिया। लेकिन मैं इस टाइप के कपड़े नहीं पहनती मुकेश। पता है, लेकिन पहन के आना बहुत अच्छा लगेगा तुम्हारा। मुकेश प्लीज, इतने प्यार से लाया मैंने तुम्हारे लिए, अपने पति की खुशी के लिए इतना नहीं करोगी? तुम्हें बातें बनाना खूब आता है। हाँ प्रिया, प्रिया ब्यूटी छुपाने की चीज नहीं होती, दिखाने की चीज होती। मुझे छोड़ो ना, मुझे शर्म आ रही है, मैं चेंज कर। प्रिया तुम इतनी अच्छी दिख रही हो, कुछ एक फोटोज तो बनता है ना? मुझे नहीं लेनी फोटोज प्लीज, बस 2 दिन फोटो। नहीं मुकेश प्लीज, परफेक्ट चेंज। अच्छा बंद करो। हाँ यार देखो देखो कितनी अच्छी फोटो आई है, ये देखो। हो गया ना तुम्हारा फोटो सेशन, मैं चेंज कर लेती हूँ। चेंज करने की क्या जरूरत है?
मुकेश तुम अभी तक रेडी नहीं हुए? अरे वो कुछ फाइल्स रह गई थी तो जा रही तुम? मैं निकल रही हूँ। अच्छा ठीक है बाय। अरे ड्रॉप तो कर दे। अच्छा शाम को मिलते हम लोग। हाँ बाय। हेलो। काम शुरू हुआ? हो गया। पिक्स तो मैंने भेज दिए और थोड़ी देर में वीडियो भी भेज दूंगा। ग्रेट। रीटा एक कप चाय लेके आना। साहब। मैम साहब कहाँ हैं? तो एक घंटा पहले ही चले गए। मुकेश तो इस वीडियो में ठीक नहीं दिख रहा है। जगह यहाँ नहीं है यार, तुझे ब्लर करना पड़ेगा। तो अब ये जा तू। मैंने तो अपना काम कर दिया है ना। फिर सही निशाने पे लगा है। है कौन ये लड़की? वीडियोस भेज रही है, फोटोज भेज रही है, मगर रिस्पॉन्ड क्यों नहीं कर रही? प्रिया आज मैं लेट हो जाऊंगा, बॉस ने अपने घर पे बुलाया मुझे। लाइट बिल भर देना याद से, आज लास्ट डेट है। हाँ तो ठीक है ना, पैसे तो मैं भर दूंगा। मैंने यही टेबल पर रखे थे, अच्छे से याद है मुझे मुकेश। तो मतलब तुम्हारे कहने का मतलब क्या है, मैं झूठ बोल रहा हूँ? अरे नहीं, अब तुम बोल रहे हो तो शायद मैं भूल गई होंगी। ₹1500 मुकेश, यही वो पैसे जो मेरे टेबल पर रखे थे। तुम इतना गिर जाओगे मुकेश, मैं सोच भी नहीं सकती। तुम चोरी भी करने लगे, वो भी अपने ही घर में। अब तुम ना बहुत ज्यादा बोल रही हो। तुम चार पैसे कमाने का लगे, तुम्हारे पर निकल आए। हाँ पर निकल आए तुम्हारे। मुकेश हर्टिंग हर्टिंग ना, मुझे ना ज्यादा ऊंची आवाज में बात सुनना पसंद नहीं है, समझी? और प्यार से रहता हूँ तो कदर क्या करो मेरी, वरना बुरा बनने में ना टाइम नहीं लगेगा, समझी? साहब है क्या? हाँ बुलाइए। बेटी आप बुलाती जी। थैंक यू। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, आपने मुझे बुलाया। बैठो। देखो मुकेश, मैं तुम्हारी परफॉर्मेंस से बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। पिछले 2 महीनों से तुमने अपना मिनिमम टारगेट तक पूरा नहीं किया है। आखिर तुम्हें जॉब करनी भी है या नहीं?
सर आजकल मैं पूरी कोशिश करता हूँ लेकिन आजकल ऑर्डर ही नहीं मिलता। कम ऑन मुकेश, तुम एक ट्रेंड एमआर हो, कोई मामूली सेल्समैन नहीं हो। देखो तुम अगर अच्छे से काम नहीं कर सकते हो तो मैं तुम्हें टॉलरेट नहीं कर पाऊंगा, ज्यादा दिन तुम मेरे यहाँ काम नहीं कर पाओगे। दैट्स इट। सॉरी सर, सर इस महीने सारे टारगेट पूरा कर दूंगा सर। कैसे पूरा कर लोगे, अब तक तो पूरा कर नहीं पाए तुम। जेड लंच का टाइम हो गया, मैं खाना लगवा दूं। लगवा। मुकेश इफ यू डोंट माइंड तुम भी हमारे साथ खाना खा लो। अरे नहीं ना, मैं अपना टिफिन लेके आया हूं। कोई बात नहीं, अपना टिफिन हम लोगों के साथ भी शेयर कर लो। मैम आप लोग खाइए ना। कम ऑन मुकेश, चलो ना। जय तुम ही को, ये तो मेरी बात ही नहीं मान रहा। ओके कम। अरे वाह, देखूं तो सही तुम्हारी वाइफ कैसा खाना बनाती है। अरे क्यों नहीं मैम, ये लीजिए। डिलीशियस, तुम्हारी वाइफ तो बहुत अच्छा खाना बनाती है। जी मैम, इसलिए मैं घर का बना हुआ खाना खाता हूँ। लकी हो जो तुम्हारी वाइफ तुम्हें ऐसा खाना खिलाती है। सर अगर आप बुरा ना माने तो क्या आज आपको अपने घर पे डिनर के लिए इनवाइट करूं? मेरी बीवी बहुत अच्छा खाना बनाई। व्हाई नॉट, क्या कहते हो जे? सॉरी मेरा मुश्किल है, तुम देख लो। कम ऑन जे, मुकेश इतने प्यार से इनवाइट कर रहा है और तुम हो कि, और वैसे भी तुम्हें लकी नहीं होना घर का खाना खाके। सर प्लीज आइए ना, अब मेरे घर का एटमॉस्फेयर आपको बहुत पसंद आएगा। चलो ठीक है, तुम कह रहे हो तो देखें तुम्हारे घर का एटमॉस्फेयर कैसा है। मैंने डिनर बना दिया है। बहुत अच्छा, एक काम करो तुम भी तैयार हो जाओगे। हाँ। अच्छा बताओ इनमें से कौन सी साड़ी पहनूं? भैया तुम ये कपड़े पहन के उनके सामने जाओगे? तो पहली बार आया हमारे यहाँ, एक काम करो तुम ये वाला कपड़ा पहन लो। ये मैं कैसे पहन सकती हूँ? उसने तुम्हारे सामने पहन लिया था इसे, मैं उन लोगों के सामने ये ड्रेस पहन के कैसे जा सकती हूँ? भैया वो लोग अपर क्लास के लोग हैं और देखो वो स्टाइलिश और फैशनेबल भी, और मैं भी उन्हें दिखाना चाहता हूँ रहन सहन में मैं उनसे किसी मामले में कम नहीं। लेकिन मुझे नहीं दिखाना। प्लीज रिक्वेस्ट है मेरी, प्लीज समझा करो ना यार, वो मेरे बॉस हैं। प्लीज वेलकम सर, आइए प्लीज। सर आप लोगों ने मेरे रिक्वेस्ट को वैल्यू दी, मुझे सच में बहुत अच्छा लगा। मुकेश तुमने इतनी रिस्पेक्टफुली इनवाइट किया था और फिर मेघना ने इंसिस्ट किया तो फिर मना कैसे कर सकते थे हम? प्रिया सर और मैम आए। Oh my God, ये तो हुई है। तो क्या मुकेश की वाइफ ये सब काम थी? प्रिया सर और मैम, सर ये मेरी वाइफ प्रिया। हाय प्रिया। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मैम। हाय प्रिया। Cheers. अरे प्रिया तुम्हारा ग्लास नहीं? सॉरी सर मैं ड्रिंक नहीं करती। सर क्यों ना इस एटमॉस्फेयर को एंजॉय किया जाए? या व्हाई नॉट। बाय द वे प्रिया तुम्हारे हाथ का खाना मैंने टेस्ट किया, इट वाज सो डिलीशियस, मैं अपने आप को रोक ही नहीं पाई यहाँ आने के लिए। मुकेश। यस मैम। तुम्हें नहीं लगता कुछ लाइट म्यूजिक भी होना चाहिए? Why not? Sure. Just give me a minute, huh? Okay, तुमने इतना रोमांटिक गाना तो लगा दिया लेकिन थोड़ा डांस भी होना चाहिए।
Come on, Meghna. May I? Yes, please, sir. Please. Thank you. मैं प्रिया की हेल्प करता हूँ किचन में जाके। हाँ सॉरी। अच्छे हस्बैंड की यही निशानी होती। वाव, इट वाज अ ग्रेट इवनिंग, है ना जय? या, इट वाज फन, मजा आ गया। दोनों कितने अच्छा कपल थे ना, नाइस, वेल बिहेव्ड। और हम लोग जे, तुम ही तो हमेशा मुझ पे कमी ही देखती है। तुम्हारे साथ तो मुंह लगाना ही बेकार है। हम तो तुम्हें गले लगा लेंगे। हकीकत में प्रिया, तुम और ज्यादा खूबसूरत दिखती हो जितनी इन वीडियोस में हो। तुम्हें पाने की इच्छा और बढ़ गई है। आई वॉन्ट यू प्रिया। हेलो। हाँ हाँ वही देख रहा था। गुड मॉर्निंग सर। नोट करो। ओके या, आई विल कॉल यू बैक। यस मुकेश, गुड मॉर्निंग सर। कल का डिनर अच्छा लगा ना आपको? मुकेश सच कहूँ तो इतना अच्छा लगा मैं रात भर सो नहीं पाया। मतलब जैसे मुंह में एक रस घुल गया। फैंटास्टिक। थैंक्स अ लॉट सर। अच्छा मुकेश एक बात बताओ। जी सर। मेघना के साथ डांस करके तुम्हें कैसा लगा? सर अब वो तो आपकी मर्जी थी ना सर। और उसका टच? सर अब, सर आपकी इच्छा थी। मैं तो मैम से थोड़े डिस्टेंस पे था। मुकेश मैं डिस्टेंस कम करने की कोशिश कर रहा था। मुझे प्रिया के साथ डांस करके उसको टच करके। मुकेश डायरेक्ट एक बात कहता हूँ, मैं प्रिया के साथ एक फुल नाइट स्पेंड करना चाहता हूँ। व्हाट डू यू थिंक? सर अब क्या बात कर रहे हैं सर, हम लोग ऐसे लोग नहीं हैं सर। तो कैसे लोग हो तुम लोग?
ये फोटोग्राफ्स और वीडियोस मुझे एक अननोन नंबर से आए। मुकेश, अगर ये तुम्हारी जानकारी के बाहर है तो मुझे लगता है तुम्हारी बीवी कुछ ऐसा काम कर रही है जिसके बारे में तुम नहीं जानते, वरना तुम तो समझदार हो। ये वीडियोस और फोटोज मुझ तक कैसे आते? मैंने तो नहीं बनाया सर। लेकिन ये आपको किसने भेजा? मान मुकेश, जासूस बनने की कोशिश मत करो। इन बातों में अब कुछ नहीं रखा है। सुन, तुम ये बताओ कि तुम क्या चाहते हो? दौलत, ऐशो आराम, पैसा, गाड़ी, बंगला, जिंदगी से तुम्हें ये सब चाहिए या नहीं? ऑफ कोर्स सर, मैं ये कौन नहीं चाहता सर ये सब, लेकिन ये सब मुकेश, कभी कभी ये सिली से इमोशंस को एक तरफ रख के सोचना चाहिए। प्रैक्टिकल, फोकस ऑन योर गोल। सपोज करो तुम मेरी जगह होते, मेरे बॉस बनकर, और तुम्हें मेरी बीवी पसंद आ जाती, और मेरी ऑफर के बारे में अगर तुम मुझसे सवाल पूछते तो जानते हो मैं क्या कहता? मैं एक्सेप्ट कर लेता अगर तुम मेरी ये विश पूरी करवाते हो। मेरा भी फर्ज है तुम्हारे बारे में कुछ सोचने का। मैं तुम्हें एमआर से एरिया मैनेजर बना दूंगा, तुम्हारे इंसेंटिव डबल हो जाएंगे। पैसा कमाओ मुकेश, पैसा। टेक योर टाइम, रिलैक्स, आराम से सोचो और फिर मुझे बताओ। लेकिन एक बात याद रखना, जिंदगी में मौके और अपॉर्चुनिटीज बार बार नहीं मिलती। हेलो, सब कुछ प्लान के हिसाब से चल रहा है, आज रात को काम हो जाएगा। सुपर। अरे प्रिया, आज तुम जल्दी घर आ गई? हाँ, एक इम्पोर्टेंट फाइल भी हुई थी इसलिए। लगता है कल जो पार्टी में हुआ उससे अभी भी नाराज है। हमारा मूड आज कुछ खराब लग रहा है। तुम्हें मेरे मूड की क्या पड़ी है मुकेश? तुम्हें तो बस अपने उस बॉस को खुश रखना आता है। प्रिया, वो तो सिर्फ एक मजबूरी है। अच्छा, तुम्हारे बॉस को हमारा खाना भी पसंद आया या फिर सिर्फ लिविंग स्टाइल देखने आए थे वो? उन्हें तुम्हारे हाथ का बना हुआ खाना बहुत पसंद आया। इनफैक्ट वो तो आज फिर डिनर पे आ रहे हैं। क्या मतलब, आज फिर से तुम मेरा तमाशा बनाओगे उनके सामने? फिर से एक नई ड्रेस ला के दोगे और कहोगे पहनो इसे, जाओ मेरे बॉस के साथ नाचो? मुकेश, तुम इतना गिर जाओगे, मैंने सोचा भी नहीं था। छी प्रिया, प्रिया वो तो सिर्फ एक मजबूरी है, अब मुझे अपने बॉस को खुश रखना पड़ता है। तुम भी तो अपने सीए को खुश रखती होगी ना? हाँ, लेकिन मुझे मेरे बॉस उनके साथ नाचने को नहीं कहते मुकेश, और ना ही वो कभी कहेंगे। सॉरी। ओके, मैं अपने लिए चाय बनाने जा रही हूँ, तुम पियोगे? हेलो। हाँ मुकेश, लगता है तुमने सोच लिया। हाँ सर, आज आ जाइए डिनर पे आप। ओके, गुड, ठीक है। तमाशा मैं आखिरी बार कर रही हूँ मुकेश, याद रखना, ये सिर्फ तुम्हारी खुशी के लिए। प्रिया,
ऐसा क्या आखिरी बार हो? अगर वो अगली बार से यहाँ पे डिनर के लिए कहेंगे तो मैं साफ साफ उनको मना कर दूँ। ये पहन के तैयार हो जाओ। वेलकम सर, मैम नहीं आई साथ? नहीं, वो क्या एक्चुअली मेघना की अचानक तबीयत खराब हो गई। क्यों, मेघना नहीं आएगी तो क्या मुझे डिनर नहीं मिलेगा? अरे नहीं सर, बट अगर मैम होती तो ज्यादा अच्छा लगता। आप आइए ना, बैठिए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मुकेश, हाउ आर यू? Good. वैसे प्रिया, you are looking gorgeous today. Thank you so much, sir. आप लोग बैठिए, मैं स्नैक्स लेकर आती हूँ। ठीक है। तुमने प्रिया को बताया कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ? हाँ सर, मैंने सारा अरेंजमेंट कर दिया। टेंशन मत लीजिए। Good. Have it. प्रिया, कम से कम आज तो एक पैक होना चाहिए। सर, मैं नहीं पीती, मैंने बताया था ना आपको। अरे जब सर बोल रहे हैं, इतनी रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो एटलीस्ट सॉफ्ट ड्रिंक तो ले लो। रुको, मैं लेके आता हूँ। ये हुई ना बात। Cheers. Cheers. For the beautiful lady. मुकेश, मुझे पता नहीं क्यों चक्कर से आ रहे। वो शायद तुम दिन भर थकी होगी। एक काम करो, तुम आराम कर लो। आओ आओ। भेजो मुकेश, मुझे बहुत चक्कर आ रहे। अच्छा, तुम ना टेंशन मत लो, ठीक है? थोड़ी देर आराम करो, ये सब ठीक हो जाएगा। प्रिया, आपके विश रूम में और होश में आने से पहले पूरी कर लीजिए। आपको नवादा तो याद है ना? यस मुकेश, आई नो। थैंक यू। वेलकम।
आज रात को काम हो जाएगा। सुपर। इस स्टाइल पे तो फायदा हो मेघना में। प्लान पूरा हो गया ना? तुमने जैसे जैसे बोला था, जो जो बोला था, सब कुछ वैसा ही हुआ है। और तुम्हें याद भी नहीं है? सब याद है मुझे। अच्छा? उसके बदले में तुम्हें इतनी प्यारी सी मेघना भी तो मिली है। तभी तो मैं तुम्हारे इशारों पे नाचता रहता हूँ। बस कुछ दिन मेरे इशारों पर और नाच लो, उसके बाद तो मैं तुम्हारे इशारों पर नाचूंगी। मेघना, तुम्हें पता भी नहीं है कि तुम्हें पाने के लिए मैंने कितने पापड़ बेले। मतलब वो पिक्चर लेना, वीडियोस बनाना, और टिफिन ले आना। ये और देखो ना, कैसे तुम्हारे घर जाने का प्लान बन गया। वो बेवकूफ जे, उसे तो पता भी नहीं चल रहा था कि उसके साथ आखिर चल क्या रहा है। और फिर सामने प्रिया आ गई और जय फिर उस पर लट्टू हो गया। जय को लगा कि वही इस गेम का प्लानर है, लेकिन उसे तो पता भी नहीं था कि वो हमारे चक्रव्यूह में फंस गया। अब मुकेश, अब आगे का प्लान सुनो। मैं प्रिया और जय के बेड सीन की रिकॉर्डिंग के जरिए जय से डिवोर्स ले लूंगी। कुछ जब वो वीडियो देखेगा ना, उसे अनफेथफुल हस्बैंड डिक्लेयर कर देगा। फिर तुम ह्यूज एलुमनी के लिए दावा करोगे, राइट? और उसके बाद मुकेश, हम दोनों पूरी जिंदगी हमेशा के लिए एक साथ रहें। और फिर प्रिया मुझे धोखेबाज पति कहकर मुझसे दूर चली जाएगी। यही उसके लिए सही होगा, क्योंकि मैं किसी और को तुम्हारे करीब कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती। अच्छा? गेश, आई लव यू। आई लव इट। मुकेश, आज रात अपनी जीत की जी भर के सेलिब्रेट कर लेते हैं। कौन है तुम? प्रिया, मैं हूँ जय। मुकेश? मुकेश नहीं, मैं हूँ जय। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? प्रिया, छोड़ो मुझे। प्रिया, मैं तुम्हें किसी भी कीमत पाना चाहता हूँ। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। प्रिया, मेरी बात सुनो। छोड़ो, मेरी हो जाओ तुम। अरे तुम कितना भी चिल्लाओगी, हटो मुझसे, मेरे पास मत आना। मुकेश, मुकेश, अरे नहीं आएगा वो, तुम्हें खुद छोड़ के चला गया है। क्या बकवास कर रहे हो तुम? वो एक समझदार आदमी है, उसको तरक्की चाहिए थी और मुझे किसी भी कीमत पर। तुम क्या क्या किया तुमने उसके साथ? छोड़ो मुकेश। मेरी बात सुनो, प्रिया, मान लीजिए, देखो
तुम्हारा पति तुम्हारे लायक नहीं है। वो तुम्हें मेरे हवाले छोड़ के भाग गया है। मुकेश, देखो मैं तुम्हें सारा प्यार दूंगा, समझने की कोशिश करो, उसके पास कुछ भी नहीं है। बचाओ मेरे पास, मैं वो तुम्हें खुशियां दे सकता हूँ। प्रिया, हेलो पुलिस स्टेशन, बेचारा जय इश्क करते करते ऊपर चला गया और उसके मर्डर के जुर्म में पुलिस प्रिया को पकड़ के ले गई। क्यों मुकेश, बस अब कुछ ही दिनों में स्वर्गीय जय की सारी प्रॉपर्टी, उसकी बेचारी दुखियारी फिर डुमेघना के नाम हो जाएगी, यानी कि मेरे। और फिर मेघना हमेशा के लिए मेरी हो जाएगी। मेघना तो हमेशा से तुम्हारी ही है। ओहो, इस टाइम कौन आ गया होगा? मुकेश प्लीज तुम देखो। हाँ, मैं देखता हूँ। प्रिया तुम? सर आप यहाँ पर और आप इसी यहाँ क्यों लेकर आए? आप दोनों की सच्चाई को सामने लाने के लिए। प्रिया ने जय का मर्डर अपने आप को बचाने के लिए किया था। उसने खुद हमें फोन करके बुलाया और जब हमने उसे गिरफ्तार किया तो वो बहुत डरी हुई थी, उसने खुद अपना जुर्म कबूल किया। सर मुजरिम आपकी गिरफ्त में, तो आप लोग यहाँ क्या कर रहे? वैसे भी फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन ये केस अब खत्म हो चुका है। केस अभी भी खत्म नहीं हुआ है मैडम। हमारी इंक्वायरी और प्रिया से बात करने के बाद इतना तो पता चल गया है कि सच कुछ और है और दिख कुछ और रहा है। हमारी क्राइम टीम ने जय के मोबाइल से प्रिया के कुछ पिक्चर्स और उसका एक वीडियो हासिल किया है। वो वीडियो एडिटेड वर्जन में है और जिस नंबर से प्रिया के ये पिक्चर्स और वीडियोस भेजे गए थे वो नंबर भी मिल गया है। वैसे कहने को तो वो नंबर जय के ऑफिस के प्यून के नाम पर रजिस्टर्ड है और उसका सिम कोई और यूज कर रहा था। राइट मिस्टर मुकेश? क्या मतलब आपका? मतलब ये मिस्टर मुकेश कि प्यून ने हमें बताया कि कुछ दिन पहले आपने उससे आधार कार्ड की जेरोक्स कॉपी मांगी थी। वैसे आप दोनों के फोन रिकॉर्ड्स भी बहुत कुछ कह रहे हैं। जितना फोन आप उस जय को नहीं करते थे उससे कई ज्यादा फोन कॉल्स तो आप इन्हें करते थे। भाई ऐसी भी क्या बात होती थी, हम भी जानना चाहेंगे या जेल में जाकर सारा सच निकलवाया है। वो सर मैं और मेघना एक दूसरे को बहुत चाहते हैं। जय को रास्ते से हटाने के लिए उसको धीरे धीरे प्रिया के पास लेके आए और एक ट्रैप सेट किया, फिर हम लोगों को नहीं पता था सर कि ये सब हो जाएगा। तुमने अपनी जिंदगी तो बर्बाद कर रखी थी मुकेश, मेरी जिंदगी भी बर्बाद कर दी। ले चलो सबको,